हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी सबकी अच्छे से चल रही होगी ईपीएफओ की। ठीक है, तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं साथ में, वो ये समझ लें कि आपका लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पूरा ईपीएफओ का कोर्स यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। साथ ही जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की तैयारी भी आपको कराई जा रही है और जनरल साइंस की प्रिपरेशन भी आपकी चल रही है और इंग्लिश के लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं। तो सारे आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ईपीएफओ के पेपर की आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अंत तक आपके साथ रहेंगे। टॉपिक आज का डिस्कस जो हमने करना है वो है इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट पार्ट 2। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था, पार्ट 1 में हमने कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस की थी, हमने टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स को एक तो डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। उससे पहले हमने देखा था कि क्या बैकग्राउंड है कन्फ्लिक्ट का, इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट का, रीजंस क्या है इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट के, वो भी सब समझा था। तो टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स में हमने देखा था कि एक होती है कि स्ट्राइक यूनियन के कंसेंट के बेसिस पर हो रही है, दूसरी होती है कि स्ट्राइक किस तरह से काम को रोका जा रहा है, और तीसरी स्ट्राइक्स होती हैं मिसलेनियस पर्पजेस में। तो पहले दो चीज़ें तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, आज के लेक्चर में हम ऑन द बेसिस ऑफ मिसलेनियस पर्पज जो स्ट्राइक्स होती हैं उनको समझेंगे। ठीक है, चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं, और 2017 का अगर आपने पेपर देखा हो तो इसी तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए, और एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप लेक्चर देख रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे साथ कनेक्ट बनाए रखें। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, उसको जवाब दिया जाएगा। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ मिसलेनियस पर्पस, तो ये सब तरीके हैं जिनसे स्ट्राइक्स होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्ट्राइक्स है जो पर्पस के हिसाब से स्ट्राइक होती है। ठीक है, इन सबको आज हम पढ़ेंगे, इन सबको अब हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किसका मतलब होता है। जैसे सिंपैथेटिक स्ट्राइक क्या होता है, हंगर स्ट्राइक क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक क्या होता है, इकोनॉमिक स्ट्राइक क्या होता है, टोकन स्ट्राइक क्या होता है, तो इन सारी टर्म्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आ जाती है आपकी सिंपैथेटिक स्ट्राइक। अब सिंपैथेटिक, सिंपैथी वर्ड आपको पता ही है, सिंपैथी वर्ड आप देख के ही थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो स्ट्राइक है ये सिंपैथी से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, यानी कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को कोई दिक्कत नहीं है एज सच एम्प्लॉयर के खिलाफ, जो उनका एम्प्लॉयर है उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनसे उनको कोई ग्रीवियंस नहीं है, लेकिन ये वर्कर कोई एक जनरलाइज्ड स्ट्राइक को ज्वाइन कर रहे हैं अपनी सॉलिडैरिटी दिखाने के लिए, अपनी कॉमननेस दिखाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी और इंडस्ट्री में स्ट्राइक हुई, वहां पे किसी वर्कर के साथ कुछ बुरा हुआ, तो बाकी के इंडस्ट्री के वर्कर्स ने भी स्ट्राइक कर दिया। हालांकि उन वर्कर्स के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था जिन्होंने बाकी उन्हें स्ट्राइक किया, लेकिन क्योंकि उनके एक साथी वर्कर के साथ जो किसी दूसरे इंडस्ट्री में काम कर रहा था, जिससे उनका कोई लेना देना भी नहीं था, जिससे जो एम्प्लॉयर जो था वो भी उनसे उनसे भी उसका कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी वो स्ट्राइक कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपैथी। ठीक है, एक सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए, एक कॉमननेस एक्सप्रेस करने के लिए कि हाँ हम सब वर्किंग क्लास जो है वो सब एक हैं। और ऐसे ऐसी स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, इंडिपेंडेंस से पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जब आपके नेशनल लीडर्स बोल दिया करते थे, महात्मा गांधी बोल दिया करते थे कि स्ट्राइक करो, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाओ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाओ, तो सारे लोग जुड़ जाते थे ना, तो सिंपैथेटिक स्ट्राइक होता था वो एक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक आप फिर अगेन टर्म इजीली इसको समझ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स होते हैं वो हंगर स्ट्राइक, हंगर के ऊपर चले जाते हैं, फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए। इस मेथड को भी हमारे आज़ादी से पहले विद्रोह के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। आज भी आप देखते हो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो लेबर यूनियंस होते हैं वो अनशन पर बैठ जाते हैं। ठीक है, और रिसेंट टाइम्स में किसी पॉलिटिकल लीडर ने जो ये सबसे ज़्यादा किया है वो आपके अन्ना हजारे हैं। ठीक है, तो हंगर स्ट्राइक में क्या होता है, बेसिकली लिमिटेड पीरियड के लिए फास्टिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया जाता है। अब इससे होता क्या है, इससे एक मॉरल प्रेशर बनता है एम्प्लॉयर के ऊपर, जिसके ऊपर डिमांड्स रखी जा रही हैं। ठीक है, तो एक मॉरल प्रेशर आता है मैनेजमेंट के ऊपर ताकि वो डिमांड एक्सेप्ट कर सके, और साथ ही साथ मॉरल प्रेशर इसीलिए आता है क्योंकि इस तरह के जो स्ट्राइक्स हैं ये पब्लिक अटेंशन को अपनी तरफ खींचती हैं, पब्लिक अटेंशन को अपनी तरफ खींचती हैं, मीडिया में हाईलाइट होती हैं, न्यूज़ में हाईलाइट होती हैं, जिसकी वजह से एक मॉरल प्रेशर बनता है मैनेजमेंट के ऊपर और अल्टीमेटली उनको उस तरह से डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये होती है आपकी हंगर स्ट्राइक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक। अब ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक क्या होता है,
अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक इंडस्ट्री में हो सकता है कि एक से ज़्यादा यूनियन हो, ठीक है। अब किसी भी इंडस्ट्री में अगर एक से ज़्यादा यूनियन है तो कई बार क्या होता है, ये यूनियंस के बीच में ही क्लैश हो जाता है, एक डिसएग्रीमेंट आना शुरू हो जाता है, ठीक है, कि भैया इस इंडस्ट्री के ऊपर तो मेरा हक है, यहाँ पे लोगों को रिप्रेजेंट करने का मेरा हक है, इस एरिया में मेरा हक है, ठीक है, इलाके बट जाते हैं। तो ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक बेसिकली क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक एक तरीका होता है कि ये डिसाइड किया जा सके कि कौन सी यूनियन के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो एम्प्लॉयर के साथ जाकर के बारगेन कर सके, ठीक है। और ये इस तरह की स्ट्राइक आपको कॉमनली देखने को नहीं मिलेगी, इस तरह की स्ट्राइक आपको वहीं देखने को मिलेगी जहां पर आपके एक से ज्यादा यूनियंस हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी इकोनॉमिक स्ट्राइक, अगेन आप नाम से ही समझ सकते हो, इकोनॉमिक स्ट्राइक तब की जाती है जब अपनी इकोनॉमिक डिमांड्स जो है वर्कर्स एनफोर्स कराना चाहते हैं, वेजेस में इंक्रीज है, बोनस है या अलाउंसेस हैं, अगर इस तरह के रीजंस की वजह से वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसको स्पेसिफिकली क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक स्ट्राइक। नेक्स्ट आ जाता है आपका टोकन स्ट्राइक। अब टोकन स्ट्राइक इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्राइक, ये एक तरह से वार्निंग बेल होती है। कैसे, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है और इसका मेन पर्पस क्या होता है वर्कर्स का इस स्ट्राइक के थ्रू या ट्रेड यूनियन का इस स्ट्राइक के थ्रू, उनका पर्पस ये होता है वो अपनी स्ट्रेंथ कन्वे करना चाहते हैं मैनेजमेंट को, वो अपनी स्ट्रेंथ कन्वे करना चाहते हैं एम्प्लॉयर को कि देखो भैया हम लोग स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं, अभी तो हम सिर्फ तुम्हें एक सैंपल दे रहे हैं, एक दिन की स्ट्राइक पर चले गए। जैसे अगर आपने हमारे कॉलेज में तो बहुत हुआ करता था, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, और भी कॉलेजेस में शायद होता हो, तो होता क्या था, टीचर्स जो टीचर्स का स्टाफ होता है ना, हम कॉलेज पहुंचते थे तो वहां सुनने में मिलता था कि आज पहले दो लेक्चर नहीं लगेंगे या 12 बजे तक आज लेक्चर नहीं लगेंगे, उसका कारण होता था कि स्ट्राइक है, ठीक है, तो टीचर्स स्ट्राइक पे चले जाया करते थे लिमिटेड पीरियड के लिए। अब इससे एक प्रेशर बनता है ना, जो कॉलेज अथॉरिटीज है उनके ऊपर प्रेशर बनेगा कि यार टीचर लोग स्ट्राइक पर चले गए, बच्चे लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि हम कॉलेज आए हैं पढ़ाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्ट्राइक होता है और इसका पर्पस ये होता है कि अथॉरिटीज तक बात पहुंचा दी जाए कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तो भैया हाश्री ही होगा, ठीक है। एक तरह का थ्रेट होता है ये, एक तरह का क्या होता है, थ्रेट होता है कि डिमांड्स वर्कर्स की पूरी की जानी चाहिए, और मोटिव इसके पीछे भी क्या होता है, मॉरल पर्सुएशन, जैसे कॉलेज का एग्जांपल मैंने दिया ना, अब मॉरल प्रेशर डालेंगे बच्चे लोग, बच्चे कहेंगे कि हम कॉलेज आए हमारे लेक्चर नहीं लगते, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी पॉलिटिकल स्ट्राइक। अब पॉलिटिकल स्ट्राइक क्या होता है, इसमें बेसिकली एम्प्लॉयर के साथ कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती वर्किंग क्लास को, ये स्ट्राइक्स होती हैं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ताकि गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लेकर आए जो वर्किंग क्लास के फेवर में हो, ठीक है। अब सरकार, अब देखो सरकार ने ये बोला कि मिनिमम वेजेस, फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस 200 पर डे हैं, ठीक है। अब अगर इम्प्लॉय स्ट्राइक करता भी है तो इम्प्लॉयर के खिलाफ कि तू मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, इम्प्लॉयर कहेगा देखो सरकार ने कहा है 200 पर डे मिनिमम वेज है, मैं तुम्हें 200 पर डे दे रहा हूँ तो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अब वर्कर क्या करेंगे, अब वर्कर सरकार के खिलाफ स्ट्राइक करेंगे, सरकार को चैलेंज करेंगे क्योंकि सरकार के ही फैसलों की वजह से वर्किंग क्लास जो है उसको उसका प्रॉपर पैसा नहीं मिल रहा, तो वो सरकार के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप मिनिमम वेजेस को रिवाइज कीजिए, 200 की जगह इसको 300 पर डे कीजिए, ठीक है। तो ये एक जो पॉलिटिकल स्ट्राइक होती है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से नहीं होती, ये इम्प्लॉयर और इम्प्लॉई के बीच में कन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं होती, ये मेनली किसकी वजह से होती है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इफेक्ट करने के लिए जनरली स्ट्राइक्स की जाती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपकी जनरल स्ट्राइक आ जाती है। अब जनरल स्ट्राइक क्या होता है, देखो एक तो होती है किसी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक स्ट्राइक है, फॉर एग्जाम्पल स्टील इंडस्ट्री ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है, तो स्टील इंडस्ट्री के लोगों ने स्ट्राइक कर दी, रेलवेज के लोगों ने स्ट्राइक कर दी, बैंक इंडस्ट्री के कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दी, तो वो तो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्ट्राइक हो गई। जनरल स्ट्राइक क्या होती है, इसकी कवरेज जो है वो वाइड होती है क्योंकि इसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लोग, डिफरेंट रीजन्स के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वाइड स्केल पर ये स्ट्राइक होती है। जैसे सिंपैथेटिक स्ट्राइक है आपकी, सिंपैथेटिक स्ट्राइक में भी सिर्फ एक इंडस्ट्री के लोग हों या सिर्फ एक रीजन के लोग हों ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें भी वाइड होता है स्कोप, उसमें भी डिफरेंट रीजन और डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग शामिल हो जाते हैं। तो जनरल स्ट्राइक में भी यही चीज होती है, पार्टिसिपेशन जो है वो काफी ज्यादा वास्ट होती है, ठीक
ठीक है। और ये स्ट्राइक्स भी जनरली पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए ही की जाती हैं, सरकार के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए ही इन्हें भी किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारा अगर एमसीक्यू क्विज का कोर्स लेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, मैंने सारे क्विजेज वहां पर ये सारे सवाल डाले हैं, सारे सवाल आपके यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए उसके बाद पिकेटिंग एंड बॉयकॉट। अब ये पिकेटिंग एंड बॉयकॉट क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, जनरली पिकेटिंग और बॉयकॉट को सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है, सेम उसमें यूज़ किया जाता है अंडरस्टैंडिंग में, पर दोनों का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो पिकेटिंग बेसिकली क्या होता है, जो यूनियन के जो लोग होते हैं, जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो बाकी के इम्प्लॉयज़ को रोकेंगे कि वो भी काम पर ना जाएं, ठीक है। अगर ट्रेड यूनियन ने, फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन है एक इंडस्ट्री में, ट्रेड यूनियन है, उस ट्रेड यूनियन में ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं, तीन भाई साहब हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और एक ये भाई साहब हैं जो इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं पर ये इस यूनियन का पार्ट नहीं है, इस यूनियन ने कहा कि हम जा रहे हैं स्ट्राइक पर। अब ये भाई साहब अगले दिन सुबह सुबह आए बाबू बनकर कि हम तो नौकरी पर चले हैं, तो यहाँ पर पहुंचे तो ये जो तीनों भाई साहब हैं इन्होंने इनको कहने लगे कि देखो हमारी यूनियन ने स्ट्राइक डिक्लेयर किया है तो आप भी काम पर मत जाइए, आज काम बंद है, ठीक है। और इसके लिए जो ये यूनियन के लोग हैं ये हाथ में बैनर्स पकड़ेंगे, प्लेकार्ड्स पकड़ेंगे, वर्बली जो है स्लोगन शाउट करेंगे, ठीक है। और इससे एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट होगी, एम्प्लॉय को तो इससे रोकेंगे ही, एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट होगी। लेकिन एक चीज जो आपको याद रखनी है, अगर ये पिकेटिंग जो है, ये जो एम्प्लॉयज को रोक रहे हैं या ये लोगों को रोक रहे हैं काम पर जाने से, अगर तो ये पीसफुल है तो ये इलीगल नहीं है। लेकिन अगर ये लोग यहाँ पर, इनके हाथों में है डंडा, इनके हाथों में है डंडा, और इन्होंने इन भाई साहब को भी ये कहा कि देखो या तो हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, ठीक है, या तुम काम पे मत जाओ, तो ये क्या है, ये है इलीगल, क्योंकि ये करोसिव मेथड का यूज कर रहे हैं, धमका रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, वॉयलेंस का डर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इलीगल हो जाएगा। उसके बाद बॉयकॉट क्या होता है, अब बॉयकॉट थोड़ा सा डिफरेंट फंडा आ जाता है। बॉयकॉट में जो वर्कर्स होते हैं ना, वो कंपनी के ही बनाए किसी प्रोडक्ट को कह देंगे कि हम इसको यूज नहीं करेंगे, या कंपनी के मालिकों ने उन्हें कोई सर्विस प्रोवाइड की होगी तो उसको यूज नहीं करेंगे, बॉयकॉट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की एक ड्रेस है कि आपने पहन के आनी है ये ड्रेस रोज काम पे, ये ड्रेस नहीं पहन के आएंगे, बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। अब बॉयकॉट जो है एक तरह से वो भी प्रेशर डालता है कंपनी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि बाहर भी लोगों को दिख रहा है कि हाँ देखो कंपनी के लोग ही इस सामान को यूज नहीं कर रहे, तो ये भी परसुएज करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी टर्म घेराव। अब घेराव को अगर हम इसको वोकैबुलरली समझने की कोशिश करें, इसका मतलब होता है एनसर्कलमेंट, ठीक है, घेराबंदी, घेर लिया आपने किसी को, ठीक है, घेरे में बांध लिया। अब घेराव आपके जनरली दो काइंड के होते हैं। पहला आपका ऑर्डिनरी काइंड का एनसर्कलमेंट होता है। इसमें क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं वो इंडस्ट्री के चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री की बिल्डिंग है, इसको ऐसे चारों तरफ से वर्कर लोग घेर लेंगे, ठीक है, और इसी इंडस्ट्री के अंदर लोग भी हैं, मैनेजर लेवल के और सुपरवाइजरी लेवल के लोग हैं, उनको भी अंदर ही बंद कर दिया, उनको भी बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। अब ये घेराव, ये तो इंडस्ट्री का घेराव था। कई बार ये क्या करते हैं, कई बार ये इस इंडस्ट्री का कोई फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर है, उसके घर पे घेराव कर देंगे, उसके घर को घेर लेंगे, ठीक है, उसके घर को घेर लेंगे, तो ये थोड़ा सा खतरनाक है। चलिए, और दूसरा काइंड ऑफ घेराव होता है इस एनसर्कलमेंट इन डेप्थ। इसका क्या मतलब होता है, फोर्सिबल पोजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड आउटस्टर द रियल ओनर एंड मैनेजरियल एंड अदर स्टाफ। यहाँ पर तो क्या था, इन्होंने चारों तरफ से फैक्ट्री को घेर लिया, इंडस्ट्री को घेर लिया, और मैनेजर लेवल के लोग जो हैं वो सारे अंदर ही हैं। सेकेंड काइंड में क्या होता है, ये इस फैक्ट्री के ऊपर ही कब्जा कर लेंगे, इस फैक्ट्री के अंदर जितनी, इस इंडस्ट्री के अंदर जितनी मशीनरी है उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, और जो भी मैनेजर और एम्प्लॉयर्स हैं उनको बाहर कर देंगे, उनको बाहर निकाल देंगे, और इसके ऊपर पूरी तरह से बिल्डिंग के ऊपर कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप है, पहले टाइप में तो बाहर से घेराबंदी की थी, दूसरे टाइप में उन्होंने कंप्लीटली इंडस्ट्री के पोजेशन को अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों चीजों में काफी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब कोर्ट ने क्या कहा है घेराव के बारे में, कोर्ट कहता है कि वर्कर्स के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो करोसिव मेथड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि जबरन बिल्डिंग के ऊपर कब्जा कर लेना, बिल्डिंग की मशीनरी के ऊपर कब्जा कर लेना, लोगों को जबरन यहाँ पर अंदर बंद कर देना जो ब्लॉकेड किया था, या किसी और की पर्सनल प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर देना, वहां घुस जाना,
तो ये सब कोर्ट कहती है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक क्राइम है इंडियन पेनल कोड के तहत, ठीक है। तो घेराव को इंडियन पेनल कोड के तहत क्या बोला गया है कि इट इज अ क्राइम। चलिए उसके बाद आ जाती है आपकी सेकेंडरी स्ट्राइक। सेकेंडरी स्ट्राइक्स आर दोज इन विच प्रेशर इज नॉट अप्लाइड अगेंस्ट द प्राइमरी एम्प्लॉयर, ठीक है। ये है लाला। अब इस लाला का ये है कर्मचारी, समझने की कोशिश करो, लाला कर्मचारी, लाला और कर्मचारी। लाला कोई प्रोडक्ट बनाता है, लाला बनाता है शर्ट, ठीक है। अब लाला को शर्ट बनाने के लिए लेनी पड़ती है कॉटन, रॉ कॉटन, और कॉटन लेता है वो किससे, बिरजू से, ठीक है। अब कर्मचारी शर्ट बनाता है, लाला बिरजू से खरीद के जो कॉटन उसको देता है। अब सेकेंडरी स्ट्राइक में ये जो कर्मचारी है ये डायरेक्टली इस लाला के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा, ये कर्मचारी बिरजू के ऊपर प्रेशर डालेगा, कर्मचारी बिरजू के ऊपर प्रेशर डालेगा। बिरजू को वो कहेगा कि देख भाई ऐसा है, अगर मेरी बात लाला नहीं मानता या तू लाला के ऊपर प्रेशर नहीं डालता कि मेरी बात वो माने, तो मैं ऐसा करूंगा, मैं तेरी जो तू कॉटन भेजता उससे शर्ट इतनी गंदी बनाऊंगा कि लाला को ये लगेगा कि इसका कॉटन गंदी क्वालिटी का, और वो आगे से तेरे से कॉटन लेना बंद कर देगा, और साथ ही साथ और भी लोग तुझसे कॉटन लेना बंद कर देंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो थर्ड पर्सन को प्रवोक किया जा रहा है कि भैया एम्प्लॉयर हमारी बात सुने। सिमिलरली यहाँ पर एक और चीज हो सकती थी, यहाँ पर एक बंदा हो सकता था जो है कस्टमर, कस्टमर को हम कह देते हैं राजू। ये कर्मचारी राजू के ऊपर प्रेशर भी डाल सकता था, राजू को वो ऐसे कहता कि नहीं यार ये लाला अच्छा आदमी नहीं है, हमें तो कम तनख्वाह देता है, इसकी बनाई हुई कंपनी की शर्ट मत खरीदो, नुकसान होने दो इसको। तो दोनों केस में डायरेक्टली लाला के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कर्मचारी, पर या तो प्रोड्यूसर के ऊपर कर रहा है या कस्टमर के ऊपर कर रहा है। इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्राइक, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्राइक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका टर्म बंद। बंद का क्या मतलब होता है हिंदी में अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो क्लोज्ड। अब क्लोज्ड यहां से हमें सीधा सीधा समझ आ गया कि एवरीथिंग इज क्लोज ड्यूरिंग अ बंद। आप देखते हो पॉलिटिकल पार्टीज जनरली कहते हैं कि भाई बंद करो, शहर बंद करो, ठीक है। अब ये जनरल स्ट्राइक से डिफरेंस कैसे हुआ, देखो जनरल स्ट्राइक और बंद में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। जनरल स्ट्राइक बेसिकली इंडस्ट्री के लोगों तक सीमित रहती है, बंद में क्या होता है वो कहते हैं कि सब कुछ पूरा शहर बंद कर दो, ये बहुत मेजर डिफरेंस है। और बंद भी आपका फोर्स नहीं किया जा सकता पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, बंद में भी आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए ये तो हो गई स्ट्राइक्स की बातें, अभी तक हमने सारी टाइप्स की स्ट्राइक्स देख ली जो एम्प्लॉयज करते हैं। अब एक चीज, एक टर्म आती है लॉकआउट, और ये लॉकआउट जो है, जैसे स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स जो है वो एक वेपन है किसके हाथ में, वर्कर्स के हाथ में। लॉकआउट एक वेपन है एम्प्लॉयर के हाथ में, किसके हाथ में, एम्प्लॉयर। और सुप्रीम कोर्ट ने इस वेपन को क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ही लॉकआउट को कैसे डिस्क्राइब करता है, सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब करता है लॉकआउट को एज एंटी थीसिस ऑफ स्ट्राइक, ठीक है। क्योंकि अगर स्ट्राइक्स एम्प्लॉय के हाथ में एक वेपन है तो एम्प्लॉयर के हाथ में वेपन है लॉकआउट का। अब पहले तो देखो क्या होता था, फॉर्मली क्या होता था, लॉकआउट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे शोषण किया जाता था एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयर द्वारा, ठीक है। क्योंकि ट्रेड यूनियन अलाउ नहीं थी इतनी ज़्यादा कि ट्रेड यूनियंस बनाई जाएं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर आज से 200-300 साल पहले ट्रेड यूनियंस को डिस्करेज किया जाता था। तो अगर कहीं पर ट्रेड यूनियन जैसा कुछ बनने लगता था ना, तो वहां पर एम्प्लॉयर धमकी दे देता था कि भैया ये ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन अगर बना रहे हो तो मैं तो फैक्ट्री के ताला लगा के घर जाके बैठ रहा हूँ। अब फैक्ट्री के ताला लगा के एम्प्लॉयर को पता है अगर उसने 500 लोगों को नौकरी दी हुई है तो वो बेरोजगार हो जाएंगे और अपने आप उसकी बातें मानेंगे, ठीक है। पहले उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता था। बाद में जब ट्रेड यूनियंस एक जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल बन गई, ठीक है, अब इस केस में क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, 100 लोग वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। अब एम्प्लॉयर को पता है यार कि ये लोग स्ट्राइक पर चले गए, तो अब ये स्ट्राइक पर चले गए, अगर मैंने इंडस्ट्री खुली रखी तो मेरा खर्चा ज़्यादा ही होएगा उल्टा, और ठीक है मुझे उनकी सेफ्टी का ख्याल भी रखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर बिजली पानी का खर्चा भी देना पड़ेगा। तो वो अपनी फैक्ट्री को ताला लगा कर चला जाएगा, कहेगा जब तुम्हारा स्ट्राइक करने का मन खत्म हो जाए तब आ जाना, तब ताला खोल दूंगा। तो लॉकआउट इस तरह से इस्तेमाल किया जाने लगा एज अ एंटीडोट टू स्ट्राइक, ठीक है। अब ये लॉकआउट की डेफिनेशन आपके इंडस्ट्रियल एक्ट, डिस्प्यूट एक्ट 1947 में भी इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। तो
तो सेक्शन टू कैसे डिफाइन करता है लॉकआउट को? एज द टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ वर्क और द रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। ठीक है, और एक चीज याद, क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि लॉकआउट जो है वो इलीगल है या लीगल है, तो एक्ट में लिखा है लीगल है भैया लॉकआउट। ठीक है, और इन सिचुएशंस में लॉकआउट हो सकता है। और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, टेम्पररी क्लोजिंग लिखा है, टेम्पररी नॉट परमानेंट क्लोजिंग। अगर परमानेंट क्लोजिंग होगी दैट इज नॉट लॉकआउट, ठीक है, वो लॉकआउट नहीं काउंट होगा। टेम्पररी क्लोजिंग होगा तभी लॉकआउट होगा। ठीक है, चलिए अब इफेक्ट क्या होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के? अलग अलग सेक्शंस पर अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, वर्कर्स पर अलग इफेक्ट होता है, एम्प्लॉयर पर अलग इफेक्ट होता है, और कस्टमर और जनरली पूरे देश की इकोनॉमी पर अलग इफेक्ट होता है। जनरल से पॉइंट्स है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, तो फटाफट से देख लेते हैं। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाए एमसीक्यू, तो आप आंसर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब देखो वर्कर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो उनकी वेजेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अब आप कहोगे कि सर आपने तो हमें पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर स्ट्राइक पे गए तो वेज देनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि देखो वर्कमैन का हक है कि वो स्ट्राइक वेजेस उसको मिले, लेकिन सिर्फ तब जब स्ट्राइक लीगल है और जस्टिफाइड है। अगर वर्कर्स वॉयलेंस का इस्तेमाल करते हैं, कोई गलत काम करते हैं स्ट्राइक पीरियड के समय, एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाते हैं, तो फिर वो वेजेस क्लेम नहीं कर सकते। और एम्प्लॉयर जिनके वर्कर्स स्ट्राइक पर गए हुए हैं, वो किसी ना किसी तरह ये प्रूव कर ही देंगे कि यहाँ पर करोजन हुआ है, वॉयलेंस हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, हमारी मशीन तोड़ दी और अल्टीमेटली उनकी तनख्वाह गई। सबसे पहले तो उनका तनख्वाह का नुकसान। अब तनख्वाह चली गई तो लाला के पास जाना पड़ेगा लोन लेने के लिए, डेट लेने के लिए, तो डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि पैसा तो चाहिए, घर बार तो चलाना है, बीवी बच्चों को खाना तो खिलाना है। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल इंजरी हो जाती है बेचारों को, अगर वॉयलेंस हो जाए वहां पर तो फिजिकल इंजरी हो जाती है। और अल्टीमेटली देखो ट्रेड यूनियन के जो बड़े बड़े लीडर लोग होते हैं और इम्प्लॉयर, उनके बीच में तो संधि हो गई, लेकिन इम्प्लॉयर बाद में वर्कर को पकड़ लेगा जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। हाँ, तू बड़ी स्ट्राइक करने जा रहा था, ठीक है, तो उसको विक्टिमाइज करेगा वो। ठीक है, उसको कहेगा कि नहीं अब से तू ये काम नहीं करेगा, उसको डिमोट कर देगा, उसकी तनख्वाह कम कर देगा। तो ये सारे इफेक्ट जो है वर्कर के ऊपर देखने को मिलते हैं। एम्प्लॉयर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? देखो एम्प्लॉयर के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो उसकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी जब भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहा है और काम रुक गया स्ट्राइक की वजह से, क्योंकि उसके फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो है ही ना। अगर उसने किराए पर जगह ली हुई है, जहाँ पर उसने इंडस्ट्री सेट की हुई है वो किराए पर जगह है, रेंट पर वो काम कर रहा है रहकर जगह पे, तो वो रेंट तो उसको पे करना ही करना है। अगर उसके वर्कर स्ट्राइक पर गए हुए हैं फिर भी उसको रेंट पे करना ही करना है। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू कुछ आ नहीं रहा क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग कम हो जाएगी एंड अल्टीमेटली जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज, मशीन नहीं चल रही, मशीन खाली पड़ी है, और इंसान इंसान का दिमाग जो खाली होता है वो शैतान का घर हो जाता है, और जो मशीन खाली पड़ी रहे उसमें क्या लग जाता है, जंक लग जाता है, खराब हो जाती है, रस्ट लग जाता है, ठीक है, डिसफंक्शनल हो जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ एम्प्लॉयर को एडिशनल खर्चा करना पड़ता है ये देखने के लिए कि जो वर्कर्स ने स्ट्राइक किया हुआ है वो उसकी फैक्ट्री को नुकसान ना पहुंचा दे, उसकी फैक्ट्री में रखी मशीनों को नुकसान ना पहुंचा दे, तो इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंतजाम करने में एक्स्ट्रा खर्चा है। ठीक है, अल्टीमेटली अगर स्ट्राइक में वर्कर्स की मांग मान ली गई तो वो फर्दर खर्चा हो गया। पहले तो वो स्ट्राइक पर चले गए जिसकी वजह से काम रुक गया, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो गया, फिर अगर पॉलिटिकल उसमें सरकार ने उसमें एम्प्लॉयर को कह दिया कि नहीं भैया तुम्हें तो इनकी मांगे माननी पड़ेंगी, इनको वेजेस बढ़ाकर देनी पड़ेंगी, तो वो मान ली, तो फिर उसको वेजेस भी पे करनी पड़ी और जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में नुकसान होता है एम्प्लॉयर को, जिसके चाहे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन नहीं है, पैसों में उसको तोला नहीं जा सकता, लेकिन वो अपनी गुडविल लूज कर देता है एम्प्लॉयर। ठीक है, आगे उस कंपनी में कोई नौकरी करने नहीं जाएगा, उसको लगेगा कि भैया ये तो लोग पैसा ही नहीं देते हैं, ये तो इंडस्ट्री में लोग स्ट्राइक करते रहते हैं, कोई ना कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस तरह से गुडविल भी एम्प्लॉयर की खराब वहां पर होती है। और अगर हम बात करें स्टेक होल्डर्स, जैसे कि कस्टमर्स हैं, अगर कस्टमर्स प्रोडक्शन रुक गया तो कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस कम हो गई हैं। ठीक है, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो गई तो आप ये समझ सकते हैं इन्फ्लेशनरी इफेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, और अगर यही स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में हो जाएं तो ज़्यादा पब्लिक को नुकसान होगा। सोचो अगर मेट्रो में स्ट्राइक करना अलाउड होता या रेलवेज में स्ट्राइक करना अलाउड होता, आए दिन आप जा ही ना पाते, ट्रेनें रुकी रहती। ठीक है, और साथ ही साथ नेशनल रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, मैन डे आपने टर्म सुना होगा,
एक व्यक्ति का एक दिन का काम, ये बहुत मेजर लॉस है इकोनॉमी को, इससे बहुत मेजर इफेक्ट आता है देश की प्रोडक्टिविटी पे और देश की नेशनल इनकम पर। ठीक है, तो हर सेक्शन जो है इस स्ट्राइक से या लॉकआउट से इफेक्ट होता ही है। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आई होप आपको मज़ा आया होगा। जो लोग पहली बार चैनल के साथ जुड़े हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारी एक सीरीज चल रही है वन कंसेप्ट अ डे, ठीक है, इसमें से हम हिंदू न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई ना कोई कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो वीडियो रोज़ आएगा, जब कोई कंसेप्ट हमें इंपॉर्टेंट लगता है वो हम आपके साथ कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस कर देते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।